आज मैं आपको शुद्ध घी की पाती बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटा वाला पैन गैस पे रखा है, गैस को मैंने बिल्कुल लो रखा है। इसी के अंदर मैं आधा कप गाय का घी ले रही हूँ। जितनी आपको पाती बनाना उस हिसाब से आप इसमें घी ले सकते हैं। इसी के अंदर खुशबू के लिए कपूर डाल रही हूँ मैं। देसी कपूर जो आता है मैंने उसका यूज करा है। जैसे घी गर्म हो जाए इसमें आप थोड़ा सा इसे तोड़कर डाल दीजिए। जैसे कपूर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए गैस को हम बंद करने, गैस को मैं बंद कर रही हूँ। घी जो है हमारा काफी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। कपूर इसके अंदर अच्छे से हमारा मेल्ट हो गया। देखिए खुशबू भी इसमें से काफी बढ़िया आ रही है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक घी हमारा ठंडा हो रहा है थोड़ी सी बाती की तैयार है। मैंने ये मार्केट की बनी हुई बाती ली है। अगर आप चाहें तो इसे रुई से हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट की क्या अगर इस तरह से रहती थी आसानी से खड़ी नहीं होती, इस तरह से लेटने लग जाती है। इसलिए आप इसे नीचे से थोड़ा सा फैलाइए, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा इसे इस तरह से घुमा के फिर रखिए। इस तरह से हमारी जो बाती अच्छे से खड़ी रहेगी। बस नीचे से आपको थोड़ा फैलाना है, एकदम बहुत ज़्यादा भी खींच देंगे तो भी ये अच्छे से नहीं बनती। उसके ऊपर से थोड़ा सा इसे गोल कर दीजिए। इसी तरह से मैंने सारी बना कर ये पहले से ही तैयार करके रखी है। इस तरह से हमें इसे तैयार करके रखना है। मैंने ये आइस जमाने वाली जो ट्रे आती है सिलिकॉन वाली, नीचे से जिससे हम प्रेस करते हैं, देखिए इस तरह से। ये वाली अगर आपके पास है तो ये ले लीजिए, नहीं है दूसरी है तो दूसरी ले लीजिए। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप इस टाइप की जो छोटी कटोरी रहती है अगर आपके पास में पीतल की तो उसे भी ले सकते हैं, स्टील के तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी कटोरी के अंदर भी आप बना सकते हैं। घी जो है हमारा हल्का गर्म है, इसी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पहले घी डालेंगे। पहले आपको घी डालना जरूरी है ताकि जो हम ये बाती रखेंगे बाती हमारी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई रहेगी। बस इसी तरह से हम बाती को रख देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऊपर से और डालेंगे। आप कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें घी डालिए। इसके अंदर मैं आधा चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ। बस इसी तरह से मैं सारी तैयार कर लूँगी। पहले नीचे आप घी डालिए उसके बाद बाती को डालिए। इस तरह से आपकी खड़ी रहेगी, दिख रही है आपको, देखिए। बस इसी तरह से हम सारी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए सारे मैंने इस तरह से इसी के अंदर सेट करके तैयार कर लिए हैं। अगर आपकी बाई चांस कोई बत्ती टेढ़ी हो जाती तो इस तरह से आप इसे चम्मच ले लीजिए, या फिर मेरे पास ये चिमटी है इसका भी आप यूज कर सकते हैं। बस इस तरह से आप सीधा कर दीजिए। इसे हम सेट करने के लिए फ्रीज के अंदर रखें। फ्रीज के लिए आप एक डेढ़ घंटे के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे सेट करने के लिए फ्रीज में रखा था तो गर्मी काफी ज्यादा है, उसके कारण ये फ्रीज में अच्छे से सेट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख दिया था। ये देखिए काफी अच्छे से ये जम गई है। आपको मैं फ्रीज वाले भी दिखाती हूँ। एक कटोरी के अंदर मैंने इस तरह से ये फ्रीज में रखी थी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिक्विड हो रहा है। इस तरह से अगर फ्रीज में इसे जमने के लिए रख रहे हैं तो अच्छे से नहीं जमेगी, इसलिए आप इसे फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। इसके अंदर आपको कोई मोमबत्ती या कोई भी वैक्स मिलाने की जरूरत नहीं है। पूजा में उस चीजों का यूज नहीं किया जाता, इसलिए आज मैंने बिना मोमबत्ती बिना वैक्स के आपको इसे बनाना बताया। इसे मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए नीचे से इसे हम प्रेस करेंगे, कितनी बढ़िया हमारी ये बनके तैयार हो गई। इसे आप बनाकर फ्रीज के अंदर स्टोर करके रख दीजिए जितने दिन आप चाहें, 8 दिन की 15 दिन की महीने भर की। आप त्योहार सामने स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, इसे आप बना के रख सकते हैं। काफी अच्छे से ये जलती भी है और ये काफी जल्दी मेल्ट भी नहीं होगी। आप जब तक पूजा करेंगे जब तक आपका दिया आराम से जल जाएगा। क्या आपको और निकाल कर दिखा रही हूँ मैं आसानी से, बिल्कुल ये देखें इस तरह से करेंगे बिल्कुल आसानी से हमारी सारी निकल जाएगी। इस तरह से सारी निकाल के मैं तैयार कर लूंगी। देखिए सारी मैंने इस तरह से बाउल में निकाल दी है। इसे आप इस तरह से फ्रीज में भी रख सकते हैं, बाउल के साथ में रख दिए, या फिर कोई भी डिब्बे के अंदर भी इसे रख सकते हैं। मैं आपको इसे दिया जलाना भी बता रही हूँ। देखिए
कितना बढ़िया, काफी लंबे समय तक हमारा एक दिए चलता है। जब तक आप पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, जो भी आप भगवान का दोहा बोलते हो, सारी चीजें आप बोलेंगे, जब तक आपका दिया जो आराम से जलता रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।